तो बेसिकली एप्रन मैकेनिज्म क्या है, तो एप्रन मैकेनिज्म इज अटैच्ड टू द कैरेज एंड हैंग ओवर द फ्रंट साइड ऑफ द लेथ बेड, यानी कि एप्रन कहाँ जो हमारा कैरेज होता है उसके ऊपर अरेंज अटैच किया होता है और वो फ्रंट साइड में लेथ बेड के फ्रंट साइड में हमें दिखता है। इट इज़ यूजफुल इन प्रोवाइडिंग पावर एंड हैंड फिट टू बोथ कैरेज एंड क्रॉस लेग। तो ये हमें क्या करता है, बेसिकली एप्रन मैकेनिज्म हमें पावर प्रोवाइड करता है और हैंड फिट प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम कैरेज यानी कि जो हमारा ये बड़ा व्हील था लॉन्गिट्यूडनल कैरेज, उसकी वजह से हम मूव कर सकते हैं हमारे कैरेज को आगे पीछे हेड स्ट्रोक और टेल स्ट्रोक की ओर। और दूसरा हमारा होता है कि क्रॉस लेग जो इधर होता है जहाँ हमारा गियर सिक्स है, तो उसकी वजह से हम लेथ एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर सकते हैं टूल पोस्ट को। तो इट इज़ ऑल्सो यूज इन प्रोवाइडिंग पावर फिट टू कैरेज ड्यूरिंग थ्रेड कटिंग थ्रू टू हाफ एंड नट। तो इधर हमारा बेसिकली कंस्ट्रक्शन है पूरा कि हमारा जो गियर मैकेनिज्म है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा यहाँ फीड रोड होता है उसके ऊपर यहाँ हमारा वॉर्म और वॉर्म व्हील का मैशिंग होता है। ये हमारा वॉर्म है, ये हमारा वॉर्म व्हील है, तो फीड रोड हो गया। फिर लीड स्क्रू जो जहाँ पर हम हमारा जो ये बड़ा व्हील है G1 वो होता है, जिसकी मदद से हम थ्रेड कटिंग के लिए लीड स्क्रू यूज़ करते हैं। ये हमारा रैक है। तो अगर हमारा ये हमारा लीवर है जो अभी न्यूट्रल पोजीशन में है, अगर हम इसको यू यानी कि अपर साइड हम अगर उसको मूव करते हैं इधर, सपोज ऐसे मूव करते हैं, तो ये क्या होगा कि ये हमारा जो गियर टू है वो हमारा गियर गियर थ्री और गियर फोर के साथ मैश हो गया। अगर गियर फोर के साथ मैश होगा तो गियर फोर और गियर थ्री दोनों एक ही एक्सिस पे है, G5 यानी कि G4 और G3 एक ही एक्सिस पे हो, यानी कि जो रेक हमारा है वो कंटिन्यूसली G3 को मेस करता है, तो उसकी वजह से जो हमारा G2 और G4 वो दोनों मेस करेगा, तो उसकी वजह से ये भी पूरा मैशिंग होगा। और उसकी वजह से हमारा G6 यानी कि जो लॉन्गिट्यूडिनल कैरेज एंड व्हील वो भी मैश होगा। तो इन दोनों इसकी मूवमेंट की वजह से ये मूवमेंट करेगा और इसकी मूवमेंट की वजह से कि हमारा कैरेज मूवमेंट करेगा। तो वैसे हम अगर अप करते हैं हमारा यहाँ लीवर, तो वो हमें क्रॉस लाइट फील और पावर क्रॉस कैरेज एंड व्हील हमारा मूव करेगा। सपोज अगर हम इसको डाउन करते हैं यानी कि डी के साथ करते हैं, तो ये हमारा G2 इधर मैश करेगा यानी कि G6 के साथ, तो उसकी वजह से हमें इधर क्रॉस लाइट में मूवमेंट मिलेगा। तो ये हमारे पावर पावर फिट कैसे देते हैं, तो वो हमारी दोनों मैकेनिज्म है कि अगर हम एन से न्यूट्रल से अगर अप जाएंगे तो हमें कैरेज में मूवमेंट मिलेगी, अगर हम डाउन जाएंगे तो हम क्रॉस लाइन में मूवमेंट मिलेगी। इधर सब लिखा हुआ है कि हैंड फीड और पावर फीड इन कैरेज, हैंड फीड और पावर फीड इन क्रॉस लाइन। तो अगर हैंड फीड की बात करें तो फीड सिलेक्शन लीवर इज केप्ट इन न्यूट्रल पोजिशन, द कैरेज हैंड व्हील इज रोटेट। अगर हम कैरेज हैंड व्हील को सिर्फ रोटेट करते हैं तो उसकी वजह से हमें हमारा G4 जो हमारा जो कि रैक के साथ ऑलरेडी वो अटैच किया गया है थ्रू G5 एंड G3 द कैरेज मूव लॉन्गिट्यूडिनल, तो वैसे हमारा जो कैरेज है वो मूव करेगा। लेकिन अगर हम पावर फीड देनी है कैरेज में, तो हम मैंने बोला कि जैसे हम लीवर को यू अपर साइड हम उसको मूव करेंगे, तो हमारा जो G2 गियर था वो डायरेक्ट G3 के साथ मैश होगा, और G4 की रोटेशन और G3 की सेम है क्योंकि वो एक ही एक्सिस में है, तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली पावर फिट से कैरेज मूव कर सकता है। वैसे ही सेम हम क्रॉस लाइट लीवर से भी हम मूवमेंट करवा सकते हैं। और अगर हम G2 को यानी कि डाउन पोजिशन में लीवर कब अगर हम फीड देंगे उसका सिलेक्शन करेंगे, तो G2 डायरेक्टली हमारा G6 के साथ, यहाँ हमारा जो G2 था ये हमारा जो G2 है ये G2 वो डायरेक्ट G6 के साथ मैश होगा और हमें यहाँ क्रॉस लाइट में मूवमेंट मिलेगी। तो ये हमारा दोनों एप्रन मैकेनिज्म के बारे में हो गया। फिर हमारा आता है कि थ्रेड कटिंग। तो व्हेन द टू हाफ नट इन एप्रन आर मेड एज अ वन यूनिट, द लीड स्क्रू मेक द कैरेज टू मूव ऑटोमेटिकली एंड कट थ्रेड ऑफ द रिक्वायर्ड पिच वैल्यू। तो अगर हमारा जो दो हाफ एंड नट वाला हाफ एंड नट होते हैं वो अगर एक ही यूनिट बन जाए, एक यूनिट बन जाएंगे, तो हमारा जो लीड स्क्रू है बेसिकली वो क्या करेगा कि लीड स्क्रू हमारा ऑटोमेटिकली कैरेज को थ्रेड कटिंग की पिच वैल्यू के ऊपर हम उसको थ्रेड कटिंग कर सकते हैं। अब दूसरी बात, दूसरा मैकेनिज्म है कि लीड स्क्रू। तो लीड स्क्रू बेसिकली क्या होता है, तो लीड स्क्रू इज़ द लॉन्ग थ्रेडेड शाफ्ट यूज एज अ
मास्टर स्क्रू, तो उसको हम मास्टर स्क्रू भी कहते हैं, जो भी जो हमारा थ्रेड कटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ बोरो ब्रॉट इन द ऑपरेशन ड्यूरिंग थ्रेड कटिंग टू मूव द कैरेट टू द कैलकुलेटेड डिस्टेंस। तो हमें कितना डिस्टेंस हमें थ्रेड कटिंग करना है तो वो हम लीड स्क्रू के ऊपर कर सकते हैं। मोस्टली लीड स्क्रू आर एक्ट ऑन अ थ्रेडर। द लीड स्क्रू इज हेल्ड इन टू बेरिंग ऑन द फेस ऑफ द बेड, द गेयर इज अटैच टू द लीड स्क्रू एंड इट इज़ कॉल्ड गेयर ऑन द लीड स्क्रू। तो जो भी हमारा गेयर लीड स्क्रू के साथ अटैच होता है उसको हम गेयर ऑन लीड स्क्रू कहते हैं। तो यह हमारा हाफ एंड नट मैकेनिज्म से हम लीड स्क्रू और उसका रोटेशन कर सकते हैं। फिर हमारा आता है कि फीड रोड, जो कि लीड स्क्रू के पैरेलल होता है, फ्रंट साइड में होता है। इट इज़ लॉन्ग शाफ्ट विच इज़ की वे अलोंग द लेंथ। द पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम स्पिंडल टू फीड रोड थ्रू द टम्बलर गियर। अभी हमने आगे देखा कि टम्बलर गियर और गियर ट्रेन की मदद से हम पावर यानी कि स्पिंडल से लेकर हम कैरेज तक मूवमेंट कर सकते हैं। इफ़ यूजफुल इन प्रोवाइडिंग द फीड मूवमेंट टू कैरेज एक्सेप्ट फॉर थ्रेड कटिंग। अगर थ्रेड कटिंग के सिवाय हमें कोई भी मूवमेंट चाहिए कैरेज का तो वो हम फीड रोड की मदद से कर सकते हैं। अ वॉर्म माउंटेड ऑन फीड रोड अनेबल्स द पावर फीड मूवमेंट। तो जो हमारा वॉर्म है वो हमारा फीड रोड के ऊपर माउंट होता है, उसकी वजह से हम पावर फीड भी कर सकते हैं। फिर हमारा स्पिंडल मैकेनिज्म में आता है स्टेप वन पुली। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कुलीज की साइज होती है, इधर आप देख सकते हैं स्मॉल, उसके उससे ज़्यादा। वैसे हम यहाँ सभी स्टेप पुली के अलग अलग स्पीड हम जैसे जैसे हम उसका अगर स्मॉल के साथ अगर इधर ये हमारा ए है उस एच के साथ अगर मैच किया तो हमें अलग अलग स्पीड मिलेंगी। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्पीड हम ले सकते हैं कौन पुली की मदद से। फिर बैक गियर में भी वैसा ही होता है कि अगर हम इधर पिन हमारी पिन जो अटैच की गई है अगर उसको हम आर के साथ मैच करेंगे तो हमें ये पूरा मूवमेंट करेगा। अगर हम पिन निकाल देंगे, सपोज हमने पिन ये पिन निकाल दी तो फिर हम इधर इंडिविजुअली हम ए बी सी डी सब के पास हम मैच करके हम अलग डिफरेंट डिफरेंट स्पीड ले सकते हैं बैक गियर में। ये सब डिटेल में दिए गए, इतना हमें इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। ये भी ये है कि ऑल गियर ड्राइव कैसे कर सकते हैं।